तो वक्फ संशोधन बिल पर सियासत तेज हो गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल 2024 को मुस्लिमों के मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए कड़ा विरोध जताया। ओवैसी ने कहा, यह संविधान का उल्लंघन करता है और इसके तहत मोदी सरकार वक्फ संपत्तियों को मुस्लिमों से छीनने की साजिश रच रही है। कि अगर ये खुदा ना खास्ता ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली, सब हुकूमत के कब्जे में चला जाएगा। बिल में यहां तक लिखा गया है कि इस अगर वो कानून बनेगा तो उसके रूल्स भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के बनाएंगे। उस बिल में यह भी लिखा गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा। हरियाणा में गठबंधन को लेकर कांग्रेस और सपा में ठन गई है। कांग्रेस से सपा को अब धोखे का डर सता रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने जुलाना सीट सपा को देने का वादा किया था, लेकिन अब कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार दिया है। एसपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र भाटी के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व ने अखिलेश यादव को व्हाट्सएप कर जुलाना सीट देने का वादा किया था। प्रत्याशी उतारने पर अब सपा नाराज है और कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया गया है कि आज तक कांग्रेस इस पर फैसला ले ले। सुरेंद्र भाटी के मुताबिक तीनों सीटों पर आज कांग्रेस ने फैसला नहीं लिया तो चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हरियाणा में जुलाना की सीट समाजवादी पार्टी को देने के बारे में कांग्रेस की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर सूचित किया गया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने वहां उम्मीदवार घोषित कर दिया। ये अच्छा तरीका नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमने जो तीन सीटों की बात कांग्रेस के सामने रखी हुई है, अगर इस बारे में कोई पॉजिटिव रिप्लाई आज शाम तक नहीं आता है तो इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। बरेली से बड़ी खबर, दिल्ली जा रही स्लीपर बस पलट गई है। ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है और हादसे में एक की मौत भी हो गई है। कई घायल बस में सवार थे 60 यात्री, सभी घायल बताए जा रहे हैं। सभी जो घायल हैं CHC मीरगंज में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। तो दिल्ली जा रही स्लीपर बस पलटी है, तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं।